पंजाब नेशनल बैंक में जब आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको एसएमएस नहीं आता गाइस। कैसे एसएमएस लाना है बताऊंगा। अगर एसएमएस नहीं आते तो आपको क्यों नहीं आते बताऊंगा इस वीडियो में, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिएगा, अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना मिस के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज़ याद रखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका जो फ़ोन नंबर है, वो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक से लिंक होना रहना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको एसएमएस आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे गाइस। अगर आपका फ़ोन नंबर लिंक है पंजाब नेशनल बैंक से फिर भी एसएमएस नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है गाइस, आपको डायलर में आना है। यहाँ पर आपको डबल हैश 21 हैश डायल कर लेना होगा जो भी सिम कार्ड से है। यहाँ पर कॉल डाइवर्ट कैंसिल हो जाएगा, नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे यहाँ पर आ जाएंगे मैसेज। अगर यहाँ पर अटके हैं ऊपर तो यहाँ पर आ जाएंगे नेटवर्क रिफ्रेश होने से। अगर फिर भी नहीं आते तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मैसेजेस में जाना है, अंदर मैसेंजर में आपके जहाँ पर मैसेज आते हैं तो यहाँ पर हिडन होते हैं गाइस कभी कभी। यहाँ पर आपको क्या करना है, देख लेना है कि आपका जो भी मैसेज है वो हिडन है या नहीं। अगर हिडन नहीं है अंदर, फिर अगर नहीं, अगर अंदर जाके देखना होगा अंदर मैसेज आ रहे हैं या नहीं। अगर अंदर भी नहीं आ रहे तो यहाँ पर गाइस आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में जाकर आपको केवाईसी करना होगा। केवाईसी में आपका फ़ोन नंबर डालना होगा, आधार कार्ड नंबर डालना होगा, आधार कार्ड से आपका फ़ोन नंबर लिंक रहना चाहिए, तभी यहाँ पर इजीली यहाँ पर आपका जो फ़ोन नंबर है वो बैंक से लिंक हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आपको केवाईसी करने से सभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर लग जाएंगे और यहाँ पर फ़ोन नंबर लिंक हो जाएगा। ऐसा करके आपको लिंक करना है। यहाँ पर कभी कभी कैसा होता है, अभी केवाईसी नहीं करने की वजह से भी यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन के मैसेजेस नहीं आते, तो आपको केवाईसी कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लिए थैंक यू वेरी मच।